हाय गाइस, चलिए आज बनाते हैं बिहार की फेमस रेसिपी लिट्टी चोखा। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म लिट्टी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो लिट्टी के साथ खाने के लिए सबसे पहले हम चोखा बना लेते हैं। तो बैंगन का चोखा हम बना रहे हैं इधर। तो बैंगन को हम पहले बीच से कट लगा देंगे इस तरह से, और अंदर चेक कर लेंगे कि इसमें कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं है। फिर बीच से भी हम इसे कट लगा देंगे इस तरह से, और चेक भी कर लेंगे कि इसमें कीड़ा वगैरह है या नहीं है। और इसमें हम कुछ लहसुन की कलियाँ इस तरह से हम डाल देंगे, जिससे कि बैंगन का जो चोखा बनाएंगे उसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब आएगा। इसके ऊपर से हम लगा देंगे तेल। तो तेल लगा के हम इसे बैंगन को पकाएंगे। तो ये देखिए, बैंगन और टमाटर सभी चीज़ों में मैंने तेल लगा दिया है और इसे पकने के लिए रख दिया है। तो उलट पुलट के हम इसे पका लेंगे। तो इस तरह से उलट पलट के हम इसे पका लेंगे, और आप देख सकते हैं ये बैंगन बिल्कुल पककर तैयार है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसे दूसरे बर्तन में और इसे छील लेंगे। आप चाहे तो इसे ठंडा होने के बाद छीले, या फिर हाथ में पानी लगा के आप इसे छील सकते हैं थोड़ा गर्म में ही। तो बैंगन और टमाटर सभी चीज़ों को मैंने छील लिया है, और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से। मैशर से हम मैश कर लेंगे इसे। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। तो 3 उबले हुए आलू लिया था मैंने, जिसे थोड़ा रफली मैश कर लिया है। फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन, हरा धनिया, सरसों का तेल। तो 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे इसमें, और इसके साथ ही डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें सरसों के तेल को ही डालें। तो ये देखिए, बैंगन का चोखा बनकर तैयार है। और अब हम बनाएंगे हरे धनिए की चटनी। तो हरा धनिया की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन की कलियाँ। 4-5 लहसुन की कलियाँ लिया है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, चटनी को अच्छे से पीस लिया है मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस, और इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हरा धनिया की चटनी भी बनकर तैयार है। तो अब हम डो बनाने के लिए ले लेंगे आटा, गेहूं का आटा है ये। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी को अच्छे से मेल्ट करके डाला है मैंने इसमें। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। तो डो हमें बिल्कुल हार्ड तैयार करना है, सॉफ्ट डो बिल्कुल भी ना लगाएं, थोड़ा कड़ा ही आटा लगाएं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, लिट्टी के लिए इस तरह का डो बनाना है हमें। तो बिल्कुल हार्ड डो रहना चाहिए, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो अब मैंने लिया है सत्तू। सत्तू में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन, मंगरेला, काली मिर्च, क्रश किया हुआ लहसुन, क्रश किया हुआ अदरक, और साथ ही डालेंगे सरसों का तेल। तो 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है, और इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। आप अगर आपके पास अचार है तो आप अचार डाल सकते हैं। मेरे पास अचार नहीं था तो मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा और सरसों का तेल हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, 2 चम्मच सरसों का तेल और डाला है मैंने इसमें। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे हल्का सा पानी। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये सत्तू भी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम चलते हैं इसे लिट्टी में भरने। तो अब हम लेंगे एक लोई ले लेंगे हम, और इसे इस तरह से गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद कुछ इस तरह से हम इसे कटोरी जैसा इसे कर लेंगे गोल, ताकि इसमें हम सत्तू भर सकें। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसमें सत्तू भर देंगे, और इसे हम बंद कर देंगे अच्छे से। तो इस तरह से हम इसे सील कर देंगे, और बाकी का जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे। इस तरह से सील करते हुए हम इसे फिर से गोल कर देंगे, और ये देखिए, लिट्टी तैयार है सेकने के लिए। तो एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ। फिर से एक लोई लेंगे और इसे गोल कर लेंगे, और इस तरह से इसे कटोरी के आकार का एक शेप देंगे। तो इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हम इसे कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे सत्तू को। तो इसमें हम भर लेंगे सत्तू को। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम इसे बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसे दबा दबा के सत्तू को बंद कर देना है, और जो एक्स्ट्रा आटा निकला हुआ है उसे हम हटा लेंगे, और इसे अच्छे से सील करके एक बार फिर से हम इसे अच्छे से गोल कर लेंगे। और ये देखिए,
ये लिट्टी बनकर तैयार है, तो चलते हैं इसे सेकने के लिए। तो ये इस तरह का जाली लिया है मैंने, इस पे ही हम लिट्टी को सेकेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम जाली पे लिट्टी को डाल देंगे और इसे उलट के पलट के हम सेक लेंगे। तो लिट्टी को हमेशा उलटते रहें, पलटते रहें, डाल के इसे छोड़े ना, नहीं तो ये लिट्टी जल जाएगा। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल धीमा रखेंगे, धीमी आंच पे हम इसे धीरे धीरे सेक लेंगे। तो इस तरह से उलट पलट के हम इसे सेक लेंगे। तो ये देखिए, ये लिट्टी बस सेकने पे ही है और ये सेक के बिल्कुल फट जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिट्टी अच्छे से पक गया है अंदर से। तो ये इस तरह से हम इसे सेक लेंगे और आप देख सकते हैं ये लिट्टी सेकने के बाद बिल्कुल फट गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे पक जाता है। तो इस तरह से इसमें क्रैक आ जाता है, फट जाता है। तो आप समझ जाइएगा कि ये लिट्टी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम लिट्टी को निकाल लेंगे एक एक करके, ये अच्छे से सेक गया है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम ये लिट्टी को निकाल लेंगे, ये अच्छे से पक गया है। तो इसी तरह से हम सभी लिट्टी को निकाल लेंगे और ये देखिए, लिट्टी बनकर बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं ये कितना आराम से टूट गया है और कितना अच्छा से पक चुका है अंदर से। तो इस तरह से इसमें घी लगा लेंगे हम, घी लगा के हम इसे सर्व करेंगे। और लिट्टी के साथ ही हम डालेंगे इसमें बैंगन का चोखा, हरा धनिया की चटनी और इसके साथ ही हम देंगे इसमें प्याज और हरी मिर्च। इसके साथ हम लिट्टी को सर्व करेंगे और ये देखिए, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में लिट्टी चोखा चटनी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।